हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 21 से लेकर के 25 मई तक के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। 21 मई को किस रूप में मनाया गया है? आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 1991 में, 1991 में हमारे सातवें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, और उसी के बाद से इस दिवस को किस रूप में मनाया जा रहा है? आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लुईस का निधन हो गया है। तो क्वेश्चन क्या बनता है इससे कि लुईस क्या थे? इतिहासकार थे, पेंटर थे। ठीक है, तो क्या थे? ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे। अगला है, हरियाणा सरकार ने छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना शुरू किया है। हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू किया है? तो छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना। दोस्तों, इसका मोटो क्या है? इस योजना का मोटो देखिए यही है कि शैक्षिक संस्थानों तक मुफ्त यात्रा देंगे। जितने भी छात्राएं होती हैं या जो भी जॉब करने वाली महिलाएं हैं, उनको जहां पर भी वो पढ़ती हैं या जहां पर भी वो जॉब करती हैं, वहां तक उन्हें सुरक्षित और मुफ्त यात्रा देंगे। ठीक है, यह कदम उठाया गया है किस लिए? औरतों की सुरक्षा के लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 22 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 22 मई को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। 22 मई को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। और इस बार इसका सब्जेक्ट क्या था? तो इसका सब्जेक्ट था सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आशा भोसले को पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, जो है बंगा विभूषण। पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? बंगा विभूषण। और ये देगा कौन उन्हें? तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। कौन देगा? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। यूरोपी गोल्डन शू किसने जीता है? यूरोपी गोल्डन शू किसने जीता है? तो लियोनेल मेसी ने। किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने। इन्होंने कुल 5 बार इस अवार्ड को जीता है और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि आज तक किसी खिलाड़ी ने 5 बार इस अवार्ड को नहीं जीता है। किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने। ठीक है, कब कब जीता है? तो सन 2009-10 में। ठीक है, फिर 11-12 और फिर 12-13, 16-17 और 17-18, इन सभी का किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने। नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भारत ने उड़ीसा तट में सफल परीक्षण किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भारत ने उड़ीसा तट पर सफल परीक्षण किया। यह भारत में पहली बार विकसित किया गया है। ठीक है, भारत में पहली बार विकसित मिसाइल है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस समय वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है, तो कौन बने हैं? निकोलस मदुरो। हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? निकोलस मदुरो। इसके बाद बात करते हैं कि मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है वोल्गा टोकारक्जुक ने। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसने जीता है? वोल्गा टोकारक्जुक ने। किस लिए जीता है? अपनी एक कृति फ्लाइट्स के लिए। किसके लिए जीता है? ये इनकी एक दार्शनिक कृति है, फ्लाइट्स। दोस्तों देखिए, जो करंट अफेयर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी PCS का एग्ज़ाम है 19 अगस्त को। ठीक है, और इसमें जो भी करंट पूछेगा वो 1 साल का पूछेगा। जैसे अगर अगस्त में एग्ज़ाम है तो लास्ट अगस्त से लेके अब तक के पूछेगा। तो आप लोग जुलाई से लेकर के लास्ट ईयर, जुलाई से लेकर के फिलहाल इस चैनल पर जनवरी से लेकर के अब तक के सभी करंट अफेयर अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी आप जो अदर्स हैं, कोई बुक लेके जुलाई के जितने भी लास्ट ईयर 2017 जुलाई से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर को एक बार देख लें आप लोग। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 महीने का पूछेगा, एटलीस्ट कम से कम तो 1 साल का करंट अफेयर तो पूछता है।
ठीक है, तो आप लोग जुलाई से लेकर के दिसंबर 2017 तक की वीडियो भी देख लें। कोई भी बुक ले लीजिए मार्केट से और उसे एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था में भारत की रैंकिंग क्या है। प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था में भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत है 44वें नंबर पर। ठीक है, भारत कितने नंबर पर है, 44वें नंबर पर। अगर हम लोग बात करें 14 एशियाई देशों में भारत की रैंकिंग की, तो भारत किस नंबर पर है, 12वें नंबर पर। 14 एशियाई देशों में अगर हम लोग भारत की रैंकिंग की बात करें, तो भारत कितने नंबर पर है, 12वें नंबर पर। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, किसके द्वारा जारी किया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पहले स्थान पर कौन है, तो अमेरिका पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो हांगकांग है। ठीक है, तीसरे स्थान पर कौन है, तो सिंगापुर है तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट बात करते हैं, WHO द्वारा विश्व स्वास्थ्य सभा का 71वां सत्र कहाँ मनाया गया है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि WHO द्वारा विश्व स्वास्थ्य सभा का 71वां सत्र कहाँ मनाया गया है, तो जेनेवा में मनाया गया है। ठीक है, कहाँ पर मनाया गया है, जेनेवा। कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कब से कब तक मनाया जाएगा, तो 21 से लेकर के 26 मई तक। कब से कब तक मनाया जाएगा, 21 से लेकर के 26 मई तक। और इसका सब्जेक्ट क्या है, तो इसका सब्जेक्ट है हेल्थ फॉर ऑल। क्या है, हेल्थ फॉर ऑल, कमिट टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इसका सब्जेक्ट क्या है, हेल्थ फॉर ऑल, कमिट टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अगर आपके एग्जाम में सिर्फ इतना आता है कि हेल्थ फॉर ऑल ऑप्शन में है, तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय एथलीट कौन है। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे लोकप्रिय एथलीट है पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये हैं कौन, तो ये एक पुर्तगाली फुटबॉलर हैं। ठीक है, ये किसकी रिपोर्ट है, तो ESPN, क्या है, ESPN वर्ल्ड फेम टॉप 100 की सूची जारी करता है। ठीक है, वर्ल्ड फेम टॉप 100 की। ESPN एक संस्था है जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, स्पोर्ट। देखिए, ये स्पेशली कहाँ के, किस क्षेत्र के लोकप्रिय लोगों की बात करता है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो होते हैं उसी के। ठीक है, तो ये टॉप 100 वर्ल्ड फेम की सूची जारी करता है, और उस हिसाब से दुनिया के सबसे लोकप्रिय एथलीट कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 3 साल से ये लगातार पहले स्थान पर हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 3 साल से लगातार पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान की बात करें, तो लेब्रॉन जेम्स और मेसी, ये लेब्रॉन जोम्स जेम्स दूसरे स्थान पर है और मेसी तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत में कितने लोग इस सूची में शामिल हुए हैं, तो सबसे जो फेमस है, देखिए, विराट कोहली। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि ESPN वर्ल्ड फेम सूची में किस भारतीय ने अपनी जगह बनाई है, तो किसने बनाई है, विराट कोहली, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, इन तीनों के सहित कुल 11 भारतीयों ने। ठीक है, जिसमें से ये तीनों फेमस हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इन लोग के नाम हम लोग जान लेते हैं, विराट कोहली, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, यह दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास है। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास का नाम क्या है, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। कौन करवाता है इसे, तो इसे करवाता है कौन, अमेरिका करवाता है। ठीक है, अभी ये चर्चे में इसलिए है क्योंकि चीन को बाहर कर दिया गया है इस एक्सरसाइज से। ठीक है, क्यों बाहर किया गया है, तो दक्षिण चीन सागर में, ठीक है, दक्षिण सागर में चीन ने कुछ विवादित जगहों पर अपना कब्जा दिखाने की कोशिश किया है, और इसीलिए चीन को बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति कहाँ पर है। तो दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति किसकी है, जटायु पृथ्वी केंद्र। ठीक है, किसकी बनाई गई है, जटायु की। जटायु के बारे में आप लोग जानते होंगे, यह रामायण से संबंधित है। जब सीता का अपहरण करके रावण ले जाता है, तो उनसे युद्ध कौन करता है, जटायु करते हैं। ठीक है,
और युद्ध में घायल हो जाते हैं। घायल होकर ये कहाँ पर गिरते हैं? केरल में, केरल के कोलम जिले में। और इसलिए वहाँ पर क्या बनाया गया है? जटायु की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति, ठीक है। यह मूर्ति है केरल नेचर पार्क में। कहाँ पर है? केरल नेचर, कोलम जिले के केरल नेचर पार्क में यह मूर्ति है, ठीक है। और वहाँ पे 60 थिएटर भी बनाया गया है और म्यूजियम वगैरह भी बनाए गए हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इस मूर्ति की बात करें कि इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो यह 200 फीट लंबी है, 150 फीट चौड़ी है और 70 फीट ऊंची है। एक बार आप लोग नेट पर सर्च करके देख लीजिएगा, काफ़ी खूबसूरत है, ठीक है। तो जटायु की मूर्ति है सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति। अगर हम लोग बात करें स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और गुणवत्ता के बारे में, किसके बारे में? स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और गुणवत्ता के बारे में हम लोग बात करें, तो इसमें भारत की रैंकिंग है 145वें। कुल 195 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग कितनी है? 145, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद आपको 26 से लेकर के 31 मई तक के करंट अफेयर दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो सका तो अब आप लोग को डेली बेस पे, जून से डेली बेस पे करंट अफेयर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।